नांदेड़ के सिविल अस्पताल में मरीजों के साथ अनदेखी का हैरान कुन मामला सामने आया है। अस्पताल के डीन ने इस पर एक तीन रुकनी जांच कमेटी तश्कील दे दी है। फ्रैक्चर की मरीजा को स्ट्रेचर पर लाना लाजमी होता है, लेकिन नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मरीजा को कपड़े में लपेट कर ले जाने का शर्मनाक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो वायरल होते ही जिला इंतजामिया हरकत में आ गया। वीडियो को लेकर अस्पताल इंतजामिया से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि किस तरह एक फ्रैक्चर की मरीजा को स्ट्रेचर नहीं दिया गया। डॉक्टर शंकरराव चौहान सिविल अस्पताल मरीजों के तई अदम संजीदगी के लिए निशाना बनता रहा है, लेकिन इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद अस्पताल फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। अस्पताल के डीन चंद्रकांत मस्के का कहना है कि इन्होंने इस मामले की जाँच के लिए तीन रुकनी कमेटी कायम कर दी है। याबाबत मलाही कळालं आणि त्या संदर्भात मी एक चौकशी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमलेली आहे। प्राथमिक जी माहिती आहे की बस जे कर्मचारी होते ते एका रुग्णाला सोडायला गेले होते, तोपर्यंत त्यांना 5 मिनटं थांबा म्हणून सांगितलं होतं, पण कदाचित त्या पिरियडमध्ये त्या स्वतःहून गेल्या असतील। याबाबत चौकशी समिती नेमलेली आहे आणि जे काही आहे ते मी आपणास कळवेल। कुठल्याही प्रकारे कोणाची काही तशी कंप्लेंट नाही, कोणी काही आम्हाला तसं सांगितलं पण नाही किंवा त्याबाबत कुठेही काही तसा लेखी कारण।